फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन सी होगी, इसका फैसला आज देर रात तक हो जाएगा। अर्जेंटीना की टीम पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, तो 18 दिसंबर को अर्जेंटीना के खिलाफ कौन सी टीम खेलेगी, इसका फैसला दूसरे सेमीफाइनल के जरिए होगा, जिसमें फ्रांस के सामने मोरक्को की टीम होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। कतर में खेले जा रहे फीफा विश्व कप 2022 का जो दूसरा सेमीफाइनल है वो आज होने जा रहा है, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस के सामने मोरक्को की टीम होगी। फ्रांस के पास ये अवसर है कि वो दुनिया का ऐसा तीसरा देश बने जो अपने टाइटल की रक्षा कर सकता है, तो ये संभावना अभी बनी हुई है। दूसरी तरफ मोरक्को की टीम है जो पहली अफ्रीकन कंट्री है जो फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल तक पहुंची है, और मुकाबला बिल्कुल पहले सेमीफाइनल जैसा ही है। जैसे वहां पर आप अर्जेंटीना के अटैक और क्रोएशिया की डिफेंस की बात कर रहे थे, तो यहां पर फ्रांस जो है वो अटैकिंग फुटबॉल के लिए जाना जाता है, जबकि मोरक्को की टीम डिफेंसिव फुटबॉल के लिए जानी जाती है। मोरक्को की टीम का डिफेंस कितना मजबूत है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि मोरक्को के खिलाफ इस विश्व कप में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है। जो एकमात्र गोल उसने खाया है वो गोल सेल्फ गोल था, उन्हीं के खिलाड़ी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा आप पेनल्टी तक में उसने गोल नहीं खाया है, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मोरक्को का डिफेंस कितना मजबूत है, और अपने डिफेंसिव खेल, अपने रक्षात्मक खेल की बदौलत मोरक्को की टीम जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची है। मोरक्को की टीम की अगर हम बात करें तो उसने बेल्जियम, जो कि फीफा रैंकिंग में दूसरे नंबर की टीम है, बेल्जियम जो इस विश्व कप से बाहर हुआ, उसमें मोरक्को का बड़ा हाथ है। मोरक्को ने बेल्जियम को पराजित किया था ग्रुप मैचेस में। आप अगर बात करें तो उसने प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन जैसी मजबूत टीम को शिकस्त दी। इतना ही नहीं, क्वार्टर फाइनल में उसने रोनाल्डो का भी सपना तोड़ा, मतलब पुर्तगाल को भी पराजित किया। तो यह है मोरक्को। दूसरी तरफ फ्रांस की टीम है जो कि अटैकिंग फुटबॉल के लिए जानी जाती है, और जब आप अटैक करते हैं ना तो ये होता है कि आपके ऊपर गोल भी हो सकते हैं, क्योंकि आप चढ़कर खेलते हैं, तो जब आप पर हमला होता है तो बचाने वाले खिलाड़ी कम होते हैं, और ऐसा फ्रांस के भी साथ हुआ। अगर हम इस विश्व कप के रिजल्ट्स पर नजर डालें तो फ्रांस को हर मैच में गोल खानी पड़ी है, और कह सकते हैं कि उनके खिलाफ अपोनेंट टीम ने गोल किया है हर मैच में। शुरुआत के दो मैच में उसे जीत मिली, लेकिन जीत के बावजूद भी उसे गोल जो है खानी पड़ी। इसके अलावा ट्यूनिशिया से एक अप्रत्याशित हार का सामना भी करना पड़ा फ्रांस को इस विश्व कप में, क्योंकि उसने अपने प्रमुख खिलाड़ियों को रेस्ट दे दिया था। हालांकि बेटर गोल एवरेज के आधार पर वो अपने ग्रुप से टॉप करके प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, फिर प्री क्वार्टर फाइनल जीता, फिर क्वार्टर फाइनल जीता, उसने पोलैंड को पराजित किया, और इसके बाद जो है क्वार्टर फाइनल में इसने इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दी। इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 की जीत थी क्वार्टर फाइनल में, और वो बहुत लकी जीत थी। किस्मत फ्रांस के साथ था, क्योंकि बराबरी का मौका इंग्लैंड को मिला था एक गोल से पिछड़ने के बाद। जब इंग्लैंड को पेनल्टी मिला तो वो पेनल्टी इंग्लैंड की टीम मिस कर गई थी, और इसका फायदा फ्रांस की टीम को मिला, और फ्रांस की टीम आज सेमीफाइनल खेल रही है मोरक्को के खिलाफ। तो वो जो किस्मत कनेक्शन है ना फ्रांस के साथ, क्या वो आज भी जारी रहेगा, क्या वो इस विश्व कप तक जारी रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तो तय है कि जो मुकाबला होगा दोनों टीमों के बीच वो बड़े कांटे का होने जा रहा है, क्योंकि फ्रांस जहां एम्बापे हैं, आप कह सकते हैं ओलिवियर गिरोड हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं। ओलिवियर गिरोड बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं फ्रांस के, गोल्डन बूट के मामले में अभी भी एम्बापे जो है वो लीडर बने हुए हैं। हालांकि मेसी अब उनके साथ हैं, लेकिन बावजूद एम्बापे का जो प्रदर्शन है इस विश्व कप में वो कमाल का है। पिछले विश्व कप से ही एम्बापे शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ओलिवियर गिरोड की भी बात मैंने आपको की। इसके अलावा एंटनी गिजमैन, वो जबरदस्त खिलाड़ी हैं फ्रांस के, बहुत अटैकिंग मिडफील्डर हैं और गेम बना रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं, उनके पासेस जो हैं वो फ्रांस के बहुत काम आ रहा है।
लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो एम्बाप्पे के सामने जो हैं हकीमी भी होंगे, जो कि जो क्लब मैचेस होते हैं उसमें दोनों एक ही टीम से खेलते हैं। तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है और ये देखना होगा कि फ्रांस की टीम मोरक्को के डिफेंस को और उनके गोलकीपर को भेद कर गोल कर पाती है या नहीं, और या मोरक्को की टीम कोई करिश्मा करने वाली है, क्या वो पहली अफ्रीकन कंट्री बनने वाली है जो कि फाइनल खेलेगी इस विश्व कप टूर्नामेंट का, ये देखना दिलचस्प है और हम सभी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिजल्ट देर रात ही आएगा, 2-2.5 बजे के आसपास तक, या और देर हुआ तो 3-3.5 भी बज सकते हैं उस वक्त तक रिजल्ट आने में, अगर पेनल्टी शूट आउट तक गेम गया। लेकिन सेमीफाइनल रोचक होगा और उसकी प्रतीक्षा हम सभी कर रहे हैं। दोनों ही टीमों को हमारी शुभकामनाएं। फ्रांस अपने खिताब की रक्षा को बेताब दिख रहा है तो मोरक्को नया इतिहास रचने की तैयारी में है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।